मैं भी स्टार्ट हो गई। यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज एम ऑडिबल एंड प्रॉपरली विजिबल? मैं अनुप उपाध्याय आप सभी के लिए आज मोटर व्हीकल एक्ट लेके आया हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, राइट? बट इसमें आज हम 1988 के साथ कुछ 2019 के जो अमेंडमेंट्स थे उनको भी डेफिनेशन पोर्शन में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि ये क्लास ऐसा नहीं है कि वन शॉट में पूरा आपको एमवी एक्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि जितने सेक्शंस मैं अभी कराऊंगा इतने इन डेप्थ कराने वाला हूं, इतने अच्छे से उसको बता दूंगा कि आपको पूरा मतलब एक्ट जो है इतना इजी लगने लगेगा कि सेल्फ स्टडी में भी आप कर सकते हैं। सो बी रेडी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज बहुत लेट हुआ है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, मैंने बहुत कोशिश करी तो मैंने सोचा चलिए 45 मिनट की क्लास ले लेते हैं, फिर आज वाली क्लास को कल वापस से कंटिन्यू कर लेंगे, राइट? तो आज की क्लास जितनी देर चलेगी 45 मिनट्स हम देखते हैं, देन उसके बाद कल इवनिंग में 4 o'clock हम वापस से स्टार्ट कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले बताएंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, क्या इसमें 2019, क्या कह रहा हूँ, क्या इसमें 2019 का मामला रहेगा? तो बिल्कुल 2019 के अमेंडमेंट को देखते हुए हम पढ़ेंगे, राइट? सो एक बार सभी को क्लास स्टार्ट जब भी मैं करता हूँ, हाँ जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो सभी को मेरी तरफ से एक बार रहता है जय हिंद एंड जय भारत। बिल्कुल एनर्जी को मेंटेन रखिएगा, क्लास एकदम मजेदार होने वाली है। और ये भी आपको मैं शेयर करता चलूंगा साथ साथ कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, उनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक? तो मोटर व्हीकल एक्ट, जैसा कि इमेज से ही पता चल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है भाई, तो एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घटित हो गई है, तो उस सिचुएशन में क्या क्या होगा? तो सीधा एक्सीडेंट से स्टार्ट करें चैप्टर को? नहीं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो टर्मिनोलॉजी है, जिसको बोलते हैं टर्म्स, जिसको हम बोल सकते हैं डेफिनेशंस, हम पहले डेफिनेशन को कवर करेंगे, ठीक? फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या डेफिनेशन से स्टार्ट कर दे सेक्शन वन से? नहीं, सबसे पहले आज हम चलेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहां से मोटर व्हीकल एक्ट स्टार्ट हुआ था उस तरफ से चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सो मोटर व्हीकल एक्ट का ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कब आया था ये? 1914 का यह एक्ट है जो सबसे पहला था आपका, द मोटर व्हीकल एक्ट 1914। फिर उसके बाद ये रिपील्ड हो गया, डियर स्टूडेंट्स, इसको रिपील्ड करके, क्या कह रहा हूं, इसको रिपील्ड करके एक नया एक्ट बना जिसको बोला गया मोटर व्हीकल्स एक्ट 1934, ठीक? तो दो एक्ट इस तरह से आपके बने, तो इसको रिपील्ड किया, आया नया एक्ट 1934, फिर उसके बाद वापस से रिपील्ड करके, निरसित करके एक नया एक्ट बना जिसका नाम हुआ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो साथियों यही हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 किसको रिपील्ड करके आया था, तो आपका आंसर होना चाहिए द मोटर व्हीकल एक्ट 1934 को रिपील्ड करके यह आया था, क्लियर? लेकिन 1988 से लेके अभी तक आप लोग देखेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ गए हैं, एंड काफी चीजें मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजें होने लग गई है, ई बाइक आ गए, तो क्या वो कानून चलता रहेगा क्या जी? नहीं। अब क्या हुआ, 1988 के बाद 2019 में, कहने का मतलब 3 साल पहले जी, क्या हुआ, बहुत सारे अमेंडमेंट किए 2019 ने, इसने इतने अमेंडमेंट कर दिए डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो एडीजे के एग्जाम होने वाले हैं, क्या कह रहा हूं, एडीजे का एग्जाम होने वाला है या फिर एमपी एडीपीओ का एग्जाम होने वाला है या कोई भी स्टेट जुडिशियरी है जिनमें ये आने वाला है, उसमें मैं आपको बता दूं इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहने वाली है, किसकी, 2019 की। तो अब देखिए 1988 के अंदर भी क्या किए गए, एक अमेंडमेंट किया गया जिसका नाम है द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको बोलते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो क्या अमेंडमेंट एक ही बार हुआ? नहीं जी, इसको बोलते हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट अमेंडमेंट।
अब मैं पूछूंगा क्या अमेंडमेंट एक बार हुआ है? नो, देयर आर फाइव टाइम्स, मतलब पांच बार संशोधन किए गए। कितनी बार? पांच बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहां से बढ़ते हैं 1914 से आए 1934, फिर 1988 में आए, फिर उसके बाद अमेंडमेंट की बारी आ गई। तो अब अमेंडमेंट्स देखिए, मैंने क्या बोला, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो फाइव टाइम्स हुए हैं, ठीक, पांच बार संशोधन हुए। पांचों संशोधन को बैक टू बैक आप देखते रहिएगा कौन कौन से पांच संशोधन है। देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट इज मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1994, मतलब जब से ये एक्ट बना है 1988 वाला, तब से बता रहा हूं कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, पांच बार। पहला 1994 में, फिर उसके बाद 2000 में हुआ, फिर उसके बाद 2001 में हुआ, देन 2015 में हुआ, और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, क्या बोल रहा हूं, लेटेस्ट, वो ये वाला है 2019। ये पूरे रीढ़ की हड्डी बन चुकी है इस एक्ट की, हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। देन देखिएगा, जो अमेंडमेंट था लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 वाला, उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आने वाला है आपका, पूछा जाएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि ये कमेंसमेंट कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2019 को ये लागू हुआ था। अभी तक मैं 1988 का अमेंडमेंट नहीं बताया, बट आपको मैंने 2019 का अमेंडमेंट बता दिया कि ये कब लागू हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन बस आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, खोपड़ी में भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कंटेंट फॉर्म में कि मोटर व्हीकल एक्ट जो था 1988, अब उसकी बात कर रहे हैं, ये फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई, स्कूल डे, याद रख लीजिए, क्या बोल रहा हूं, स्कूल डे। स्कूल डे मतलब समझते, स्कूल गोइंग डे। अरे आप स्कूल कब जाते थे, 1 जुलाई को जाते थे कि नहीं जाते थे, स्कूलें 1 जुलाई से खुलती थी, वही इसका अमेंडमेंट, वही इसका कमेंसमेंट डेट है, राइट। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अगर मैं पूछ लूं एमवी एक्ट जो कब लागू हुआ, तो आप क्या बोलोगे, जिस दिन हम स्कूल जाते हैं, 1 जुलाई। लेकिन 1988 का एक्ट है, लागू कब होता है, 89 में, ये याद रखिएगा। आगे की बात, इट रिप्लेस्ड द मोटर व्हीकल एक्ट 1939 विच अर्लियर रिप्लेस्ड फर्स्ट सच एनएक्टमेंट मोटर व्हीकल एक्ट 1914। मतलब कहने का मतलब 1914 को रिप्लेस किसने किया, इसको रिप्लेस किया इसने, और इसको रिप्लेस किया इस भाई ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मोटर व्हीकल की बात होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है, तो सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि यार मोटर व्हीकल्स के रेस्पेक्ट में कितने लॉज हैं इंडिया में। तो सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर मोटर व्हीकल की बात करें तो मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में हमारे पास कम से कम 8-10 कानून बन चुके हैं। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे फैटल एक्सीडेंट एक्ट हो गया 1855, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950, फिर 1956 में एक बना था NH, नेशनल हाईवे एक्ट, देन मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल होता है मेंस आंसर राइटिंग में। PLI एक्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, PLI एक्ट, ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब उसके बाद आता है NHAI, क्या कह रहा हूं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक कौन सा एक्ट है, ये भी एक मोटर व्हीकल एक्ट का नया कानून है, 1988 में ही आया था, याद रख लीजिएगा। NHAI कब आया था, 1988 में, और मोटर व्हीकल एक्ट भी कब आया था आपका, 1988 में, क्लियर। देन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज कैरियर्स बाय रोड, दीज आर एक्ट्स विच मेड अंडर द मोटर व्हीकल लॉज, राइट। तो हमके ये कानून में से अब हम एक कानून पढ़ेंगे, इतने कानून में से जो हमारे कोर्स में है वह कौन सा है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, क्लियर। तो एक बार हम इसके कॉन्सेप्ट, इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, राइट। तो देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तीन कैटेगरीज हैं। पहला बता देता हूं, कुल अध्याय, क्या बोल रहा हूं, कुल अध्याय की अगर बात किया जाए तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 14, तो इसके अंदर चैप्टर्स हैं। अगर कुल धाराओं की बात किया जाए, क्या कह रहा हूं, कुल धाराओं की बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो 217 लिखा हुआ है। लेकिन 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 एक अमेंडमेंट हो गया, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, अगर अल्फाबेट्स को भी जोड़ा जाए तो कितने हो जाएंगे, 217A तक यह जा रहा है, क्लियर। अगर अल्फाबेटिकली भी देखा जाए तो 217A इसका लास्ट सेक्शन है। फिर देखिए, शेड्यूल की बात करेंगे तो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, 2 हैं, इसमें से एक हटा दिया गया है, एक अभी भी चल रहा है। तो उस शेड्यूल का नाम क्या है जो अभी चल रहा है, डियर स्टूडेंट, तो आप सभी को बता दूं, मैंडेटरी जो होते हैं साइन,
ठीक है, मैंडेटरी जो ट्रैफिक साइन वगैरह होते हैं उसको इस शेड्यूल में, शेड्यूल वन में डाल दिया गया है। ठीक, तो इसको भी हम देखेंगे मैंडेटरी साइन कौन कौन से हैं आगे वाले लेक्चर्स में। चलिए, अब जितना मैंने चैप्टराइजेशन बताया उस चैप्टराइजेशन को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर वन, इसमें प्रिलिमिनरी आएगा जिसके अंदर सेक्शन वन, टू, टू ए और टू बी, यहां तक चलेगा। देन बात करेंगे लाइसेंसिंग, तो सबसे पहले याद रखिएगा यहां ड्राइवर की लाइसेंसिंग दे रखी है 3 से 28 में, फिर कंडक्टर की लाइसेंसिंग दे रखी है और 29 से 38 में, फिर मोटर व्हीकल्स, जो अब यार ये ड्राइवर चलाएगा क्या, मोटर व्हीकल ही तो चलाएगा तो इसका भी तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसको 39 से 65 में बांट दिया गया है। ये चार तो आपके लिए बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। फिर इसके बाद की बात करेंगे कि लास्ट के जो पॉइंट है, जैसे आपका एक सेक्शन ये इंपॉर्टेंट, एक ही सेक्शन है 139 में, पहले इसको बात कर लेते हैं, मोटर व्हीकल्स टेम्पररली लिविंग और विजिटिंग इंडिया, इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। 10 तो आपका ऑमिट ही हो गया है। अब 11 to 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके चैप्टर्स। अब 11 to 13 में पहले में इंश्योरेंस आ जाएगा, ठीक, 11 में क्या जाएगा इंश्योरेंस, जो 145 से 164D तक कवर करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, दावा अधिकरण जो है वह कहां से आएगा, 165 से 176 तक ये कवर हो जाएगा। देन ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, इसमें आपको यह बताया जाएगा कि क्या सजा और क्या दंड आपको मिलेगा। आपने हेलमेट नहीं पहना है तो कितनी सजा है, आपने दो जनों की ड्राइविंग थी तीन को बैठा लिया, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो कितनी सजा, ये सारी चीजें आपको इसमें दी जाएगी। राइट, अब चलते हैं आगे। मिसलेनियस लास्ट प्रोविजन है जो 211 से 217 है, और उसके पहले बात कर लूं चैप्टर 7, 8 है, आप देख लीजिएगा इन सभी को। चलिए, तो अब बात करते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट करते हैं एक्ट को, प्रॉपर एक एक सीक्वेंस है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी को बता दूं, जितने भी मोटर व्हीकल लॉज होते हैं हमने कितने सारे देखे थे, उन सभी को कंसोलिडेट करना और उन सभी को अमेंड करना, ये दोनों कानून, दोनों काम किसका है, मोटर व्हीकल लॉज का। ये ऑब्जेक्ट है हमारे एमवी एक्ट का। तो एमवी एक्ट क्या करेगा, जितने भी मोटर व्हीकल लॉज है उनको एक जगह कंसोलिडेट करना और फिर उनमें अमेंडमेंट करना टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू नीड। राइट, अब बात करते हैं आगे की, क्या ऑब्जेक्ट को दो वर्ड में खत्म कर दे, नहीं, ऑब्जेक्ट को दो वर्ड में खत्म करना ना इंसाफी हो जाएगी। थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है टू टेक केयर, मतलब जितनी भी मोटर व्हीकल्स फास्ट इंक्रीज हो रही है उन सभी का क्या करना, टेक केयर करना। देन एडॉप्शन ऑफ हायर टेक्नोलॉजी, आज की डेट में आप देखेंगे कि मोटर व्हीकल में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि लाख से लेके करोड़ में आपको मोटर व्हीकल मिलते हैं, तो टेक्नोलॉजी को भी एनहांस करना। फिर आपको सड़क सुरक्षा के जो मानक होते हैं, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करना, पॉल्यूशन कंट्रोल को मेजर करना, भाई कितना पॉल्यूशन हो रहा है, किससे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल, तो अब बता, जो भी हजार्डस और एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं, आप जानते ही हैं कि आज गाड़ी जैसे मान लीजिए यूपी से चली है मध्य प्रदेश को जा रही है, या राजस्थान से चली है यूपी जा रही है, और कोई हजार्डस खतरनाक चीज वो लेके जा रहा है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स, मेजर्स, रूल्स होने चाहिए, वो बनाना इस एक्ट का काम है। प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना, और उसके बाद है इफेक्टिव ट्रैकिंग डाउन दी ट्रैफिक ऑफेंडर्स, जितने भी ट्रैफिक के नियम कानून के अपराधी होते हैं उनको ट्रैक करना, और उनको ट्रैक करने का मतलब उनको पकड़ना। फिर है आपका रेशनलाइजेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशंस, अब डेफिनेशन को यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, जितनी डेफिनेशंस आपको बताई गई उसको समझना, प्लस जितनी एक्स्ट्रा डेफिनेशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा अभी, जैसे एग्रीगेटर की डेफिनेशन जुड़ी, उन डेफिनेशंस को लाना और इसमें इन्वॉल्व करना, ताकि एमवी एक्ट को और अच्छे से समझा जा सके। चलिए आगे की बात करते हैं, अब हमारे सेक्शन वन की तरफ स्टार्टिंग हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, सेक्शन वन क्या कहता है आप ध्यान से सुनिएगा, जो आपका सेक्शन वन है उसकी दो कैटेगरी, तीन कैटेगरीज हैं। पहला सेक्शन वन में देखिए शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल क्या है, एमवी एक्ट 1988 कहां पे लागू होता है, ये पूरे भारत में लागू होता है, स्टार्ट कब हुआ था, कमेंस्ड कब हुआ था ये, तो यहां पे सभी को मैं बताना चाहूंगा, स्कूल डे 1 जुलाई 1989 को यह कमेंस्ड हुआ था। अब लेकिन चालू तो ये इस डेट को हुआ, प्रारंभ इस डेट को हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये बना कब डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, ये बनने की जो डेट आई है ये बहुत ढीठा हो गया है, ठीक है, इसको उधर फेंक देते हैं,
ओके हाँ, अब ये एनेक्ट कब हुआ था? ये एनेक्ट का मतलब होता है बनना। ये बना कब था? 14-10 का मतलब क्या होता है? अक्टूबर, 14th of October 1988 को बना था। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को, उसके 12 दिन बाद ये बना था। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था पोर्शन। अब अगला पॉइंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे आगे तो आएगा शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल वन, तो शेड्यूल वन सबसे लास्ट में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लास्ट की चीज को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो ट्रैफिक साइन क्या है पहले उसको 2 मिनट देख लेते हैं। जैसे आप सभी को आगे जाना है तो गो अहेड, टू वे ट्रैफिक, स्लिपरी रोड है तो इस तरह का इमेज रहेगा, फॉलिंग रॉक्स है, जैसे आप जाते हैं केदारनाथ या जो भी पहाड़ी इलाका, हिमाचल प्रदेश हो गया, हमारे यहाँ उदयपुर हो गया, तो वहां पे इस तरह के बने होते हैं इमेजेस जो आपको बताते हैं भाई फॉलिंग रॉक्स का ये एरिया है, आप ध्यानपूर्वक रहें। फिर डिगिंग मैन, कोई भी मैन जो डिग कर रहा है, खड्डा खोद रहा है, उसके लिए लेफ्ट टर्न के लिए नो पेडेस्ट्रियन, यहाँ पे पैदल यात्री अलाउड नहीं है। वाइंडिंग रोड मतलब रोड जो ऐसे ऐसे चलती है ना सांप के जैसे, यूं यूं, वो वाइंडिंग रोड के साइन इस तरह से बनाते हैं। हाँ, आप साइकिल नहीं चला सकते तो इस तरह का साइन रहेगा, क्रॉस वॉक, नो लिटरिंग, नो पार्किंग, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फोकस एंड कंसिडर, राइट। अब देख लीजिए, ये आपके नो व्हीकल हैं, कर्व्ड रोड है, अभी तो मैंने ऐसे ऐसे वाला बताया, अब कर्व्ड रोड है, आगे मोड़ है तो इस तरह का बन जाएगा आपका कर्व्ड रोड के लिए। ठीक, अब ये क्रॉसिंग्स वगैरह के लिए है, एयरपोर्ट का साइन है, नो वेटिंग, दीज आर द थिंग्स। ये है नेरो रोड, मतलब चौड़ी रोड से आप जा रहे हैं, आगे जाके संकरी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो ये आपका हो गया नेरो रोड। नो व्हीकल, अलाउड ही नहीं है व्हीकल यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह की स्टॉप वगैरह है। टू वे ट्रैफिक होता है तो उसके लिए कौन सा साइन यूज होता है? इस तरह का। हालांकि जुडिशरी में आपके इतना अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी एपीओ में क्या पता कोई इमेज देके पूछ ले ये साइन किसका है, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ऊपरा ऊपरी। वैसे सही बताऊं तो ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, दरोगा साहब जो होते हैं हमारे, उनके एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, लेकिन जुडिशरी में क्या पता पूछ ले, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब देखिए, अगर राइट टर्न है, रोड वर्क चल रहा है, हंप है, ये सभी चीजें हैं आपकी, आप देख लीजिएगा। देन ट्रैफिक लाइट, आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप। गो का मतलब ग्रीन, अ वेट के लिए, वॉच केयरफुली के लिए येलो एंड वेट। अब देखिए, टर्न राइट अहेड, ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है जो बचपन से ही आपको पढ़ाई जाती है। क्या कहते हैं इसको? जेब्रा क्रॉसिंग। यहां पे पैदल यात्री रोड पे देखेंगे, यूं रोड ऐसे ऐसे खींचा होता है, यहां का मतलब क्या है कि पैदल यात्री यहां से जा सकता है, टर्न लेफ्ट। देन नो ओवरटेकिंग, यू टर्न, लाइफ में भी यू टर्न कभी कभी आपके आता है, वो अलग वाला है, बट ये यू टर्न कौन सा है? ये यू टर्न है आपका रोड वाला। अब नो लेफ्ट टर्न के लिए होता है, मतलब आप जानते ही हैं व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे गाड़ी नहीं ले जा सकते, ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी आ रहा है। नो स्टॉपिंग, कहीं पे अगर गाड़ी खड़ी करना मना है तो उसके लिए यूज होता है नो स्टॉपिंग, राइट। कई आप देखेंगे हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई भी ऐसा जोन होता है जहाँ पे आप हॉर्न्स नहीं बजा सकते हैं, स्टॉप गो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, आई होप आप सभी को इतना तो पता ही होगा डियर स्टूडेंट्स, कि आप सभी को बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ बोट ट्रांसपोर्ट जो था उसने भी अपनी गाइडलाइंस बार बार देती है कि ड्राइव सेफ करें, दीज आर द थिंग्स, आई होप आप सभी को पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर वन की स्टार्टिंग करते हैं जो कि है प्रिलिमिनरी। तो आप सभी ने पढ़ा ही था चैप्टर वन कहां से कहां तक है, सेक्शन वन से स्टार्ट होता है यह, कहां से स्टार्ट होता है? सेक्शन वन से, राइट। जाता कहां पे है डियर स्टूडेंट? सेक्शन वन से लेके टू बी तक यह जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा बैक टू बैक, ठीक, जितने आज हो जाएंगे ठीक है, वरना हम कल की क्लास में इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेड व्हीकल। सबको ये एक्ट पढ़ने से एग्रीगेटर क्या है, एडेप्टेड व्हीकल क्या है, मतलब हैबिचुअल नहीं हो पाते हो, अभी हैबिचुअल करता हूं, इसके लिए एकदम फैमिलियर करता हूं। देखिए, एडेप्टेड व्हीकल क्या होता है, इसे रूपांतरित यान कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो डिफेक्ट है, जिसके अंदर डिसेबल है, फिजिकली डिफेक्ट है, फिजिकली डिसेबल है, अपंग है, या उसका पैर काम नहीं कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा बेचारा? क्या उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है गाड़ी चलाने के लिए? नहीं है। उसके लिए क्या होता है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए गाड़ी को बनाया जाता है, ठीक है। तो उस गाड़ी को जिसको मॉडिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल डिफेक्ट और डिसेबिलिटी, उसे कहते हैं एडेप्टेड व्हीकल। आई होप सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार थम्स अप कर दे कि यस वी गॉट दैट पॉइंट, कि एडेप्टेड व्हीकल का मतलब क्या हो गया, किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है,
उस डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए, ताकि वो कार चला सके या वो क्या कर सके, मोटरसाइकिल चला सके, स्कूटी चला सके, तो जो डिफेक्ट को दूर करने के लिए जो एक मॉडिफाइड गाड़ी बनाई जाती है, इस मॉडिफाइड गाड़ी को ही एडेप्टेड व्हीकल कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके जितने भी क्लच होते हैं, जितने इस जो ब्रेक होता है, वो सारा का सारा कहाँ दे दिया जाता है, हैंड में, सारा हाथ में देखो दे दिया गया है। इस तरह का होता है एडेप्टेड व्हीकल। आपने कई बार देखा होगा कि जो जिनका जो स्कूटी चलाना चाहते हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम है, तो उनको थ्री व्हील्स लगा के इस तरह की भी गाड़ी बना दी जाती है। तो दीज आर एडेप्टेड व्हीकल। तो एकदम फैमिलियर हो गया एडेप्टेड व्हीकल। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए दूसरे पॉइंट को, एग्रीगेटर क्या होता है जी। एग्रीगेटर कुछ नहीं है, जैसे ओला उबेर, अपने को कहीं जाना होता है, ओला ऐप अपन ने डाउनलोड कर रखा है, उबेर ऐप डाउनलोड कर रखा है, इससे अपन ने क्या किया, क्लिक किया और अपने जहां पे भी जाना है उसको बुलाया, अपने लोकेशन पे आता है, अपने को ले जाता है, पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, दैट्स इट। तो ये मामला आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है एग्रीगेटर। क्लियर? तो एग्रीगेटर को कहते हैं समूहक। तो अब देखो क्या लिखा, डिजिटल इंटरमीडियरी। इट मीन्स अ डिजिटल इंटरमीडियरी, मतलब मेरे और उस जो गाड़ी चला रहा है उसके बीच में जो ये व्यक्ति है जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहा है, उसके बीच में जो इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, जैसे ओला वाला हो गया, उबेर वाला हो गया, ये सब काम कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एग्रीगेटर। आई होप क्लियर हो गया। तो मोटर व्हीकल एक्ट का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, अपना एक तरीका होता है। तो अगर आपने सेक्शन 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक, तब तो मौज है, वरना आप तो घूमते रहेंगे। ये बता दूं, इस एक्ट को पूरा टफ बनाने की कोशिश करी गई है, उतना ही मैं आज इजी बना के जाऊंगा। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सोनाक्षी जी एंड जोश लीगल नॉलेज, अक्षिता, ज्योति कटारिया जी, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओला उबेर तो हो गई बात, एग्रीगेटर में चले गए। आर्टिकुलेटेड व्हीकल, अब ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल देखो कितना अजीब सा नाम लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आपको ये इमेज दिखाऊंगा आपको थोड़ा फेमिलियर लगेगा। आपने हाईवे वगैरह पे ये देखा होगा आर्टिकुलेटेड व्हीकल को। इट मीन्स अ मोटर व्हीकल टू विच अ सेमी ट्रेलर इज अटैच्ड। अब ये सेमी ट्रेलर क्या होता है, टू सबसेक्शन 39 में डिफाइंड किया गया है। क्या बोल रहा हूं, टू सबसेक्शन 39 में इसको डिफाइंड किया गया है, सेमी ट्रेलर को। अब बताइए सेमी ट्रेलर क्या होता है, पहले हम उसको भी समझते हैं, ठीक। सेमी ट्रेलर क्या, हम आज है ना मतलब लीगल टर्म्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट पहले समझेंगे। ये सेक्शन 2 में आ रहा है स्नेहा जी, आई होप आप लेट हो गए थोड़ा सा, लेट तो पूरी दुनिया हो गई है डियर स्टूडेंट, क्या करें, आज टेक्निकल इशू इतना था, लेकिन मैं भी जिद पे अड़ा था, क्लास तो आज ही लूंगा, भले आधे घंटे ही लूंगा, मैं 6 बजे से नहीं गया घर पे, मैंने कहा क्लास तो लेके जाऊंगा, तो आज वो मेहनत सफल हो गई हमारी। तो अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, आप सभी लोग को बता देना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, एक बार देख लीजिएगा कि ये साइन वगैरह हमने पढ़े हैं, ठीक है, क्या साइन वगैरह होते हैं, बस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 2। डेट वगैरह बताई है, अब ध्यान से सुन लीजिए। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में मैंने बताया एडेप्टेड व्हीकल, जो फिजिकली डिसेबल और डिफेक्टेड पर्सन होते हैं उनके लिए इस तरह की गाड़ी बनाई जाती है, ये कहलाती है एडेप्टेड व्हीकल, राइट। फिर आता है एग्रीगेटर कौन है, जो एग्रीगेटर वह व्यक्ति होता है, वह डिजिटल इंटरमीडियरी होता है, जो एक व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाना चाहता है तो ओला उबेर का एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके वहां पे बता देगा मैं इस लोकेशन पे हूं, पेमेंट कर देगा और पहुंच जाएगा। तो ये ओला उबेर एक, आप बताइए टू व्हीकल, टू व्हीलर जो बाइक होती है उसमें भी ये मामला आ गया था एग्रीगेटर का। आजकल आप समझेंगे पहले कार वार तो आती ही थी, आज बाइक आ जाती है आपके पास, तो जरा उसका नाम बताइए। हाँ ये सेक्शन 2 में ही है, अब मेरे को जरा उसका नाम बताइए, सेक्शन 2 क्लॉज 1 ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप सभी लोग बताइए वह बाइक कौन सी है, वो कौन सी कंपनी है जिसके अंदर आप ऑनलाइन तरीके से मतलब एग्रीगेटर को यूज करते हुए आपके पास वो बाइक वाला आ जाता है, आपको दूसरी जगह पे ड्रॉप कर देता है। कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपके आंसर का। आगे की बात करते हैं, अब देखिएगा एग्रीगेटर के बाद बात आती है हमारी आर्टिकुलेटेड व्हीकल की। जिस भी गाड़ी के पीछे कोई भी एक सेमी ट्रेलर हो तो वो क्या कहलाता है, आर्टिकुलेटेड व्हीकल। अब सेमी ट्रेलर क्या होता है ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेलर होता है डियर स्टूडेंट्स, एक होता है सेमी ट्रेलर, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझिएगा, ये ट्रक ट्रैक्टर है, ठीक है। यहां पे देखो टाइप ऑफ ट्रक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकुलेटेड व्हीकल है। आर्टिकुलेटेड व्हीकल कैसे हो गया, क्योंकि यहां पे देखो एक सेमी ट्रेलर लगा हुआ है,
जो ये गाड़ी का अगला हिस्सा होता है, इस हिस्से के साथ जो यहां तक का हिस्सा है, इसे कहते हैं सेमी ट्रेलर। अब मैं कहूं ये डिफाइंड का है, तो 239 में इसको डिफाइंड किया गया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ट्रेलर क्या होता है, इस सेमी ट्रेलर के पीछे भी एक और डब्बा अटैच कर दिया जाए, इसके पीछे अगर एक डब्बा और अटैच कर दिया जाए भाई, तो ये बन जाता है ट्रेलर, जो कहां पे डिफाइंड है, टू सबसेक्शन आई होप 46, राइट। तो ये वाला जो दूसरी गाड़ी लगी है, ये गाड़ी क्या कहलाएगी, ट्रेलर। तो सबसे अब वापस से बता देता हूं, यहां ड्राइवर बैठता है, इसके पीछे वाला सेमी ट्रेलर कहलाता है और इसके पीछे वाला ट्रेलर कहलाता है, क्लियर सभी को। अब देखिएगा, इसी बाइक को ही, यहां तक की गाड़ी जो होती है, इसको क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटेड व्हीकल। टैंक ट्रक आपने देखा ही होगा, देखिए टैंक वैंक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो ये टैंक ट्रक है आपका, आपने देखा होगा कि यहां पर भी एक ये पूरा यहां ड्राइवर बैठ के गाड़ी चलाता है, इसके पीछे ये पूरा टैंक लगा हुआ है। इस टैंक को क्या बोलते हैं, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं या फिर सेमी ट्रेलर बोलते हैं, दिस इज द पॉइंट, आप लोग फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये तो आपका थोड़े वर्ड्स हो गए, अब देखो एक वर्ड आएगा एक्सलवेट। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो ये आईटीआई करते हैं ना, जो पॉलिटेक्निक वगैरह आईटीआई, उनके यहां पे भी ये कोर्स है मोटर व्हीकल एक्ट। वो लोग कैसे समझते हैं चेसिस, जैसे गाड़ी की चेसिस क्या होती है, गाड़ी का इंजन कहाँ होता है। अब लॉ वाले हैं भाई, गाड़ी पे बैठ गए, स्पीड में चला रहे, कंट्रोलिंग का ध्यान रखते हैं। अब इतना इंजन विंजन कभी थोड़ी ना देखे हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं सभी आपको फेमिलियर कर दूंगा चीजों से। ट्रेलर कैरी, स्नेहा अग्रवाल जी, देखो ट्रेलर जो होता है ना, टेल सबसे पीछे वाला ट्रेलर होता है, ये आगे आगे वाला पोर्शन जो है, इसमें एक ही पोर्शन है आगे वाला, अगर इसके पीछे एक और पोर्शन होता तब ये ट्रेलर होता डियर स्टूडेंट, बट ये क्या है, ये आपका है सेमी ट्रेलर। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, अब आगे की बात करते हैं, एक्सल वेट क्या होता है, इट मींस इन रिलेशन टू एन एक्सल ऑफ व्हीकल द टोटल वेट ट्रांसमिटेड बाय द सेवरल व्हील्स अटैच्ड टू दैट एक्सेल टू द सरफेस ऑन विच द व्हीकल रेस्ट। अब इसको इमेज से समझते हैं एक बार, देखिए ये आपका एक, पहले देखिएगा ये आपका व्हील होता है, जो ये पहिया बना हुआ ना, ये वाला पहिया, ये क्या कहलाता है, ये व्हील कहलाता है, ठीक, इसको कहते हैं व्हील पहिया। ये जो डंडा होता ना, यहां से यहां तक का, जिसपे ये टिका हुआ है पूरा ये मामला, इस डंडे को, कलर चेंज कर रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा, इस डंडे को जो रेड वाला डंडा है, इसको बोलते हैं एक्सल। तो अगर मैं पूछूं, अब ये कहना ये लकड़ी गाड़ी है, ये वो कौन सा है, वो शोले मूवी का वो वाला ये व्हीकल है, मतलब समझ रहे हो, चल मेरी धन्नो, वो वाला है। अभी के जमाने में ऐसा नहीं होता है, बट मैंने दिखा दिया एक समझाने के लिए आपको कि एक्सल ये पहिया नहीं है जी, एक्सल ये होता है। अब इसको और अच्छे से मॉडर्न जमाने में समझते हैं, ठीक है, मॉडर्न युग के अनुसार क्या है। मॉडर्न जमाने में देखिएगा, ये आपका फ्रंट एक्सल होता है, फ्रंट ड्राइव एक्सल। देखो ये पूरी व्हील जो है आपकी, ये पूरी व्हील है, ये इसके ऊपर टिकी हुई है, टिकी हुई कि नहीं टिकी हुई है, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, फ्रंट ड्राइव एक्सेल। ये का ये पीछे होता है, देखिएगा ये, देखो ये जो गाड़ी के अंदर, ये देखो ये पहिया है और इसके ऊपर ये व्हील जाती है, फिर दूसरा पहिया यहां लगता है, तो ये कौन सा कहलाता है, रियर ड्राइव एक्सेल, ठीक है। इसको बोलते हैं, नॉलेज के लिए सुन लीजिएगा, इसको बोलते हैं ड्राइव शाफ्ट और उसको बोलते हैं रियर डिफरेंशियल, एंड यहां पे आपका इंजन होता है सबसे आगे गाड़ी का, कभी भूल के मत कह दिए पीछे होता है इंजन। हाँ, ये ट्रांस एक्सल, इसको ट्रांस एक्सल कहते हैं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो वर्ड ही हमको याद रखना है, एक्सल, ये जो होता है इसे एक्सल कहते हैं, फ्रंट ड्राइव एक्सल, और ये आपका रियर ड्राइव एक्सल होता है, क्लियर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। प्लीज वेट अ मिनट, इसको मैं रफ भी कर देता हूं, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा इमेज आप लोग अच्छे से देख सकें, ठीक है, ये भी रफ कर देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, अब जैसे एक्सल की बात हुई, तो ये एक्सल वेट क्या होता है, तो एक्सल तो हमने समझ लिया, अच्छा आपके टॉट में है ये टॉपिक, ओके। अब देखिए एक्सल वेट क्या होता है, ये पूरा जो टायर है इसके ऊपर जो भार होता है, यहां नीचे का भार, जो वजन नीचे पड़ता है, इसे बोलते हैं एक्सल वेट, राइट, पूरे गाड़ी का वेट जो आ जाता है।
अब देखो कभी भी आप गाड़ी है ना, ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी खरीद लोगे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जितने भी है खरीद के सीधे दौड़ाने लग जाओगे, नहीं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन हम जाएंगे, मान लीजिए हमने एक गाड़ी खरीदी वरना, उसको खरीद के हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने कहीं पर, नहीं। ऐसा होता है जहाँ से हम गाड़ी खरीदते हैं वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा के पूरा मामला करके सेट, फिर हमको गाड़ी पकड़ाते हैं। बस हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पैसे होने चाहिए। तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आरसी आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आरसी आपके पास होना चाहिए। इट मीन्स द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द इफेक्ट दैट अ मोटर व्हीकल हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में जब हम जाएंगे तो पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, कैसे मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखिए, एक ये 2019 में आपके द्वारा ये जोड़ा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। कम्युनिटी सर्विस कहाँ डिफाइंड है तो आपको बताना है, 4A में इसको डिफाइंड किया गया है। इट मीन्स एन अनपेड वर्क, ठीक है, ऐसा कोई भी वर्क जिसके लिए आपको पैसा नहीं दिया गया है, ठीक है। इट मीन्स एन अनपेड वर्क विच अ पर्सन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एज अ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट। अब आपने क्या किया, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई गड़बड़ कर दिया मामला। तो कोरोना में तो हमने ये देखा था, झाड़ू पोछे लगवा रहे थे, जो हेलमेट नहीं पहनता और निकल गया बिना हेलमेट के, बिना मास्क के, तो रोड साफ करवा रहे थे। तो वो जो रोड साफ करवा रहे थे, जो ये सारी चीजें होती हैं, वो कौन करवाता है? कम्युनिटी सर्विस में आता है, वो अलाउ कर दिया गया है। आपने देखा नहीं है कई बार कि कोरोना काल में क्या हुआ, रोड पे झाड़ू करवा रहे थे जो बाहर बिना मास्क के निकले और मोटर ड्राइव करते हुए, ये कैसे हुआ संभव? ये उनको दंड दिया जाता है एज अ कम्युनिटी सर्विस के अंदर, राइट। हाँ, पूरे 18 दिन के बाद ऑनलाइन आया हूं, बिल्कुल दीप्ति जी, अभी आते रहेंगे, ठीक है। समुदाय सेवा के नाम से इनको जाना जाता है, इस तरह के कम्युनिटी सर्विस ऑफिसर्स भी होते हैं कई जगह। अब देखिए, कंडक्टर कौन होता है? ये परेशान व्यक्ति कंडक्टर है, देखिए ये बहुत परेशान है, ठीक, लेकिन इसको खुश कर देंगे। कंडक्टर कौन होता है? इन रिलेशन टू स्टेज कैरिज। अब बात आती है, स्टेज कैरिज क्या होता है सर? स्टेज कैरिज का मतलब होता है मंजिल गाड़ी, जो गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह मंजिल तक पहुंचाती है, उसे कहते हैं स्टेज कैरिज, ठीक है। तो कंडक्टर इन रिलेशन टू स्टेज कैरिज मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड इन कलेक्टिंग फेयर्स फ्रॉम पैसेंजर्स। अब ये क्या पढ़ाऊं, कंडक्टर का मतलब ये जो ये फेयर से देखो पैसा लेके बैठा है, इन सभी से पैसा ले चुका है ये, ठीक है, तो ये कंडक्टर है। और क्या कंडक्टर का लाइसेंस होता है क्या? बिल्कुल, कंडक्टर का भी एक लाइसेंस होता है जो कि चैप्टर 3 के अंदर दिया गया है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कंडक्टर के लाइसेंस क्या होते हैं, राइट। अगले पॉइंट पे चलते हैं डियर स्टूडेंट, इनको देख लीजिएगा। डीलर कौन होता है? डीलर आपको पता ही है, कितने सारे डीलर आपके वहां पे होंगे सिटी वगैरह में, जो आपको मोटर व्हीकल प्रोवाइड करते हैं। जैसे डीलर कौन होता है जिसके 10-15 गाड़ियां नहीं पड़ी होती, 50 गाड़ियां पड़ी है, 50 व्हीकल्स पड़े होते हैं मोटर व्हीकल। अब वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। दे आर ऑथोराइज पर्सन, जो 50 मोटर व्हीकल सेल कर रहे हैं, रोज के 5-7 इनकी मोटर व्हीकल बिकती है, तो ये डीलर होते हैं। इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज एंगेज। अब डीलर की डेफिनेशन को कितना वाइड किया, ध्यान सुनिएगा। डीलर में कौन आता है? जो व्यक्ति एंगेज है इन बिल्डिंग बॉडीज फॉर अटैचमेंट टू चेसिस। अब ये चेसिस क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। आगे इसको एक बार इसको स्किप करूंगा, आगे चेसिस की बात बताऊंगा। आगे देखिए, इन द रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स या फिर इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन लीजिंग और हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। ये दोनों काम, चाहे रिपेयर का काम कर रहा हो, कई बार क्या होता है सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, रिपेयरिंग भी तो करते हैं आपकी गाड़ी का, समझ रहे हो। जिन्होंने डीलरशिप लिया हुआ है उन्होंने अपना सर्विस सेंटर भी खोला होता है, तो इसलिए ये वर्ड आया है, ठीक है। ऐसा रिपेयरिंग वाला नहीं जो दुकान खोल के बैठा है। इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन लीजिंग और हायर परचेज। अब हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर जो आपको सेल करवाते हैं वो भी डीलर में आ जाएंगे। तो अब देखिए, लास्ट पॉइंट है, ड्राइवर है। ड्राइवर ये हैवी ड्राइवर नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ड्राइवर है। ड्राइवर कौन होता है? हाँ, ये हैवी ड्राइवर जरूर हो सकते हैं, बिल्कुल, जब महिलाएं गाड़ी चलाएं बिल्कुल बच के रहिए। लेकिन मैं कहूँगा अब तो काफ़ी परफेक्ट हो गए हैं हमारी महिलाएं, तो अब तो एरोप्लेन चला रही, मज़ा आ गया देख के। और जब अपने को खुशी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब ये फाइटर जेट चलाते हैं जी, बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश थर्रा जाता है, ठीक है। आगे नहीं बोलूंगा, कुछ गड़बड़ वड़ निकलेंगे। चलिए, ड्राइवर कौन होता है? इट इंक्लूड्स इन रिलेशन टू अ मोटर व्हीकल विच इज ड्रॉन बाय अनदर मोटर व्हीकल The person who acts as a steersman of the drawn vehicle। ये steering होती है, इसको बोलते हैं steering। जो steering को ऊपर बैठ के यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, यही तो driver हो गया, और क्या।
अब ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बट ये अमेंडमेंट है इसलिए लाना पड़ा 2019 का। देखो ये क्या कह रहा है, ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स मींस द कोर्स रेफर टू इन सबसेक्शन 2A ऑफ 19। सेक्शन 19 के 2A में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ड्राइवर रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है। नोटिस आ जाएगा सर, हाँ यार वही तो, ठीक है, कई आए कई गए नोटिस, चलो बच के रहते हैं जितना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीएल कहते हैं, ठीक है। नोटिस तो हम लोग भेजते हैं यार, क्या बात कर रहे हो। डीएल क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, डीएल होता है इट मींस लाइसेंस इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डीएल इश्यू कर रहा है उसने डीएल इश्यू दे दिया तो बिल्कुल आप गाड़ी चला सकते हैं, इट इज नाइस, आपको बधाई हो। और इसके अंदर क्या लर्नर लाइसेंस आता है क्या, LL लिख रहा हूं, लर्नर्स लाइसेंस। तो सभी लोग बताएं क्या डीएल के अंदर, क्या ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर लर्नर्स लाइसेंस आता है या नहीं आता है, जल्दी से बताइएगा, क्या डीएल के अंदर लर्नर लाइसेंस आता है, कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस को चालन अनुज्ञप्ति के नाम से भी जाना जाता है, तो आप सभी को मैं बताऊंगा अदरवाइज देन एज अ लर्नर, क्लियर। अ मोटर व्हीकल ऑफ एनी स्पेसिफाइड क्लास और डिस्क्रिप्शन, कहां से आ जाएगा मधुमिता जी, देखिए क्या लिख रहा है ये, इसके अंदर ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 के अधीन दी गई है और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर यान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटर यान शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करती है। तो अब बताओ अगर इसके अंदर लर्नर लाइसेंस आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा, लर्नर लाइसेंस पहले मिलता है अगर आपने 6 महीने अपने उसको यूज कर लिया, फिर उसके बाद आपको डीएल मिलेगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिएगा गोल्डन आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। गोल्डन आर मतलब स्वर्णिम घंटा क्या होता है, ये ऐसा कोई घंटा नहीं जिसको बजाना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्वर्णिम घंटे का मतलब ये होता है जैसे किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, कोलैप्स हो गया एक दूसरे के साथ, ठीक है, भिड़ गया, अब वह व्यक्ति को चोट पहुंच गई है, तो जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको चोट लग गई, परेशान है, पैर पे चोट लगी होगी, सर पे लगी होगी, तो जब चोट लगी उस टाइम से लेके आने वाले एक घंटे का समय उस व्यक्ति के लिए, उस पेशेंट के लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो वही जो क्रूशियल टाइम पीरियड है, कितने टाइम, एक घंटे का, वह एक घंटा क्या कहलाता है, वह एक घंटे का समय गोल्डन आर कहलाता है, जिसको कहते हैं स्वर्णिम घंटा, क्लियर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोल्डन आर, जो गोल्डन आर होता है वो कितने टाइम का होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जो गोल्डन आर होता है वह कितने समय तक होता है, एक घंटा, दो घंटे का, तीन घंटे का या फिर 4 घंटे का वो समय होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए आगे की बात, यहां देख रहे हो ना, ये आईसीयू में बैठा है बेचारा, तो एक घंटे का टाइम। अब देखिएगा दूसरी बात, मैं आप सभी को बता दूं, यहां पे दूसरा जो पॉइंट आएगा आपका गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, माल, ये तो हम बहुत बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। गुड्स इंक्लूड्स लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होता है, कोई बता पाएगा, जल्दी से बताएं, व्हाट इज लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होता है डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि जो ये गुड्स होता है इसमें लिख रहा है इंक्लूड्स लाइव स्टॉक। हाँ, ये सब अमेंड हुए सेक्शन है, बिल्कुल मैं सारे अमेंडमेंट के इंक्लूड करके पढ़ा रहा हूं आपको। गुड्स इंक्लूड्स लाइव स्टॉक, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, लाइव स्टॉक का मतलब बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइव स्टॉक की बात करेंगे तो जितने भी जीवित प्राणी आते हैं इसके अंदर, कैटल हो गया, वेरी गुड, जानवर हो गए, उनको भी ये इंक्लूड करता है। तो गुड्स का मतलब सिर्फ माल ही नहीं, अगर इस गाड़ी में प्रॉपर इनको वेंटिलेशन देके अगर कोई भी चीज लेके जा रहे हैं तो वह भी क्या कहलाएगा, वह भी गुड्स कहलाएगा। गुड्स इंक्लूड्स लाइव स्टॉक एंड एनी थिंग, और कोई भी चीज इसमें आ जाएगी, अदर देन इक्विपमेंट ऑर्डिनरली यूज विद द व्हीकल, ठीक है, कैरिड बाय अ व्हीकल एक्सेप्ट लिविंग पर्सन्स,
बट डज नॉट इंक्लूड, एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है, बट डज नॉट इंक्लूड लगेज और पर्सनल इफेक्ट कैरिड इन अ मोटर कार। अगर आप अपना पर्सनल सामान, पर्सनल लगेज कोई लेके जा रहे हैं तो वह इसके अंदर नहीं आएगा। गुड्स का मतलब जो कॉमर्शियल यूज हो रहा है जी, समझिए बात को, कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल वर्ड ही है, जो कॉमर्शियल यूज में आ रहा है वो गुड्स कहलाएगा, वह माल कहलाएगा। आप अपना पर्सनल अटैच ही लेके जा रहे हो तो इसमें थोड़ी ना आएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एक आज जो ऑफर चल रहा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो पहले कह रहे थे 20% चला गया है, वापस से आपका 20% आ गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 20% अभी ऑफ चल रहा है अन अकेडमी के जुडिशरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, राइट। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, 20% ऑफ सभी में रहेगा। ये ऑफर आपका 17 जुलाई से स्टार्ट है, 22 जुलाई 2022 तक वैलिड रहने वाला है। ऑफर फॉर आरजीएस, डीजीएस, एमपीसीजे, दीज ऑल अदर स्टेट एंड लॉ एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे हमारी पूरी टीम देख रहे हैं, सारी टीम मिलके पढ़ाएगी आपको अच्छे से और तैयार करेगी। अभी एक बैच स्टार्ट हुआ ही है थोड़े दिन पहले, ज़्यादा नहीं, आई होप बहुत कम डेज ही हुए हैं, जिसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंकिंग रेगुलर बैच 3.0, राइट। सो आप यहां पे कोड यूज कर सकते हैं, जो यूज करने के लिए कोड है लिंकिंग कोड यूज कर सकते हैं। यहां पे लिखा है 10%, इसको मैं काट के अब लिख सकता हूं 20% आपको ऑफ दे रहा है बाय यूजिंग द कोड विच इज लिंकिंग। तो आप लिंकिंग कोड यूज करके 20% ऑफ ले सकते हैं। लिंकिंग रेगुलर बैच 3.0 की भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। यहां पर भी आप देखिए, आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है, स्टार्टेड फ्रॉम July 6, ये July 6 से आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप कोड यूज कर सकते हैं अनुप लिंकिंग, जहां पे 10% ऑफ की जगह क्या मिलेगा आपको, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो 10% का बेनिफिट हटा के 20% है सिर्फ 22 जुलाई तक। आगे की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ के अंदर अगर बात करें, क्या 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 चीजें आपको मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव मेंटरशिप, फोर्स्ड मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल द बेनिफिट ऑफ प्लस, एंड अगर स्पेशल क्लास क्या होता है जो आप फ्री में देख सकते हैं अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके, वहां पे हम सब लोगों की क्लास है। आज मैं बता दूं आप सभी को, रात को 10:15 पे मेरी फ्री क्लास है, जहां पे आज स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन है और कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ और प्लानिंग करेंगे, डाउट सॉल्विंग करेंगे, राइट। यहां पे देखिए इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, पोल्स फॉर लर्नर्स है, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर, दीज आर द स्पेशल फीचर्स, राइट। फिर आगे की बात करेंगे, अगर आप आइकॉनिक बैच ज्वाइन करते हैं तो वहां पे पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस होती है। अगर आप प्लस का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। देन आगे की बात कर लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कितने मंथ्स के कोर्सेज हैं, 6, 12, 18, and 24 months। बाय यूजिंग कोड लिंकिंग यू कैन गेट 20% ऑफ, एंड दैट सेम थिंग इज अवेलेबल ऑल्सो फॉर आइकॉनिक। यहाँ पे भी 6, 12, और 24 months के कोर्सेज हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है कि भाई ये क्या पढ़ा दिया, आई मीन टू से ये तो हमारे कोर्स का ही नहीं था, या फिर ये तो बहुत ही मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचा गया, तो आप क्या कर सकते हैं, बग्स बाउंटी के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, गुड्स कैरियज 14 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइंड है गुड्स कैरियज। आप देख सकते हैं इस तरह की ट्रकें वगैरह आती हैं इसमें। ग्रॉस व्हीकल वेट क्या होता है, इस पूरे व्हीकल का ये देख लीजिए, जो यहां वेट आता है कितने टन आ रहा है, ये वाले वेट सारे क्या कहलाते हैं, ग्रॉस व्हीकल वेट के अंदर आता है। फिर बात करेंगे हैवी गुड्स व्हीकल, देखो यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, मैं आप सभी को बता दूं ये वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, यही तो आपको लर्न करना है एग्जाम के लिए। हैवी गुड्स व्हीकल क्या होता है, जहां पे व्हीकल का वेट, जिस व्हीकल की बात हो रही है उसका वजन अनलेडन वेट, वो भी कौन सा अनलेडन वेट, इसका मतलब क्या होता है, बिना इस पे कुछ लोड किए, बिना कोई माल इसमें भरे, खाली ट्रक का जो वेट होता है वह हैवी गुड्स व्हीकल कहलाता है। अब देखिए हैवी गुड्स व्हीकल कौन सा व्हीकल होगा, बिना इसमें ये माल भरे, विदाउट लोडिंग, मतलब विदाउट लोडिंग, उसका वेट अगर एक्सीड हो जाए किसने से, 12,000 किलो से। अगर आपका ये जो ट्रक वगैरह है इसका वेट बिना माल भरे, नॉर्मल उस ट्रक का वेट कितना हो जाए, 12,000 किलो से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो आपका वो कौन सा वेट कहलाएगा, हैवी गुड्स व्हीकल में आ जाएगा, भारी माल यान में।
अब हैवी पैसेंजर्स मोटर व्हीकल क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 17 में बताया गया है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, अनलेडन वेट ऑफ विच एक्सीड 12,000 किलोग्राम। इसमें भी हैवी पैसेंजर जैसे बस हो गया, अरे भाई ट्रक हो गया, बस हो गया, तो यहां पे बस में पैसेंजर्स जाते हैं, तो बिना पैसेंजर्स के इसकी जो वेट है वो अगर 12,000 किलो से ज्यादा है तो ये भी हैवी में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 के अंदर लर्नर्स लाइसेंस, डीएल जैसे डीएल पढ़ा था वैसे एलएल है, लर्नर्स लाइसेंस जिसे लर्निंग लाइसेंस भी कहते हैं। अब लर्नर लाइसेंस क्या होता है ये देख सकते हैं, इस तरह के लाइसेंस होते हैं जो कि एक रफ फॉर्मेट में दिया गया है, पहले जमाने का लाइसेंस है, अब तो काफी अच्छा आने लग गया है, खूबसूरत फोटो खींचता है उसमें। इट मीन्स द लाइसेंस इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर चैप्टर 2 बाय ऑथराइजिंग द पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन टू ड्राइव एज अ लर्नर। आपको यहाँ पे एज अ लर्नर गाड़ी चलाने की अनुमति मिल जाती है। अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि भाई गाड़ी जो चलाता है वो LL लर्नर लाइसेंस लेता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये जो लर्नर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है, वैसे आपको बता दूं ये तो अंकल जी लग रहे हैं, लर्नर तो दिख नहीं रहे, बट इसको मैं हटा दूंगा, किसी की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, लर्नर लाइसेंस की एज लेने के लिए कितना वर्ष वह कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना वर्ष, एज की बात कर रहा हूं मतलब आयु बोलते हैं जी इसको हिंदी में, कितनी आयु कंप्लीट होने के बाद लर्नर लाइसेंस को लिया जा सकता है। तो आप सभी को बता दूं जो लर्नर लाइसेंस मिलता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो लर्नर लाइसेंस मिलता है आपको, तो यहां पे सब लोग देख लीजिएगा, यह 50cc तक की जो इतनी गाड़ियां होती है 50cc तक की, उसके लिए दिया जाता है और उस व्यक्ति के को दिया जाएगा जिसने कंप्लीट कर लिया हो, कितनी एज, हु हैज कंप्लीटेड 16 ईयर्स ऑफ एज, क्लियर, जिसने 16 साल की आयु प्राप्त कर ली है उसको मिलता है लर्नर्स लाइसेंस। आगे की बात कर ले, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होती है, जो लाइसेंस इश्यू करती है भाई, और क्या, ये देख लीजिए यहां पे ये अथॉरिटी, इस तरह की बिल्डिंग होती है, यहां जाके आप ले लीजिएगा। लाइट मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल को शॉर्ट में कहते हैं LMV, क्या बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल। LMV क्या होती है जी, इट मींस अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल और ओमनीबस, द ग्रोस व्हीकल वेट ऑफ ईदर ऑफ विच और अ मोटर कार, इनका मतलब कुल मिला के वेट कितना होना चाहिए, अनलेडन वेट, देखिए मैंने रेड कर दिया आपको पढ़ने के लिए, जो अन बिल्कुल RTO बिल्कुल योग्यता, जो अनलेडन मतलब बिना लोड किए गाड़ी का वेट डज नॉट एक्सीड 7,500 किलो, मतलब 7,500 kg तक का, ठीक है, अप टू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल अप टू 7,500 kg अगर वेट है तो वो कहलाता है आपका LMV। ये आ गया LMV, लाइट मोटर व्हीकल। जैसे जो हमारे घर में कार है, जैसे बलिनो हो गई, हाँ अक्षिता जी क्या हो गया, आपको अगर गाड़ी चलाने आ रही तो बिल्कुल मिल सकता है अक्षिता। अब देखिए LMV क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल, में ध्यान से बात सुनिएगा, यहां पे जैसे सेंट्रो गाड़ी हो गई, ये वर्ना हो गई, बलिनो हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, ये सारी गाड़ियां जो हम अपने घर में यूज करते हैं, ये क्या होता है, ये लाइट मोटर व्हीकल में आते हैं जी। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 को, थोड़ा स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट ही रहे फिर इसके क्लास को आगे कर लेंगे। अब देखो यहां पे मैक्सी कैब क्या होता है, जिसको बड़ी टैक्सी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम शॉर्ट, मैक्सिमम का मतलब बड़ा, उसी नाम से बना है मैक्सी कैब, टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स, ऐसी गाड़ी जिसके अंदर 6 पैसेंजर से ज्यादा है बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर्स, बट उसके अंदर 12 पैसेंजर से ज्यादा नहीं है, तो 6 से ज्यादा, ठीक, और 12 से ज्यादा नहीं, मतलब टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स, मतलब 7 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो कुल मिला के कितने हो सकते हैं, 12, तो 7 से 12 लोग को बैठने की जो गाड़ी होती है उसे कहते हैं मैक्सी कैब। बट क्या इसके अंदर ड्राइवर इंक्लूड होगा क्या, 7 से 12 में नहीं, ड्राइवर के अलावा, तो कुल मिला के अधिकतम इंक्लूडिंग ड्राइवर कितने लोग बैठ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई होप 13 या फिर 12, बताइएगा जल्दी से। अब देखिए मीडियम गुड्स व्हीकल क्या होते हैं, मीडियम गुड्स व्हीकल का मतलब ये हो गया जो ना LMV में आए, लाइट मोटर व्हीकल में, और ना ही हाई गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल में आए, ठीक है, इन दोनों के बीच के जो होते हैं वो मीडियम वाले में आ जाते हैं, क्लियर। आगे की बात, मोटर कैब क्या होता है, आई होप आप सभी ने देखा, बिल्कुल 30 इज द राइट आंसर।
अब देखिए मोटर कैब क्या होता है, इट मींस एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडॉप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन 6 पैसेंजर्स, जिसके अंतर्गत 6 पैसेंजर से ज्यादा नहीं बैठ सकते, वह छोटी गाड़ी आपकी क्या कहलाएगी, मोटर कैब कहलाएगी, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। इन 6 में ड्राइवर को एक्सक्लूड किया गया है, तो एक्सक्लूडिंग ड्राइवर अगर मैं बोलूं 6 तो ये लोग हो गए और ड्राइवर को भी मिला दूं तो टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल आपके 7 में आ रहे हैं, ठीक है, टोटल आपके 7 पर्संस इसमें आ जाएंगे। आगे की बात को देखिएगा, मोटरसाइकिल देखिए कितनी अच्छी बाइक है, आपके सपनों की बाइक तो नहीं है कहीं, तो देखिए मोटरसाइकिल जो है इट मींस टू व्हीलर, ये क्या पढ़ाने की जरूरत है, कुछ नहीं, बस टू व्हीलर को मोटरसाइकिल कहते हैं, 27 में डिफाइंड है ये याद रखिएगा, 28 में आपका मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल और व्हीकल। अब देखो आया है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आने वाला है, मोटर व्हीकल क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा मोटर व्हीकल क्या होता है। मोटर व्हीकल को समझने के लिए हमें कई और चीजें समझनी होगी, ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा एक वर्ड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 के अंदर, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, क्यों समझ रहे हैं इसको, अब देखो ये लिख रहा है इट मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, कोई भी ऐसा जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होता है एडेप्टेड फॉर यूज अपॉन रोड्स वेदर पावर ऑफ प्रोपल्जन। अब प्रोपल्जन का मतलब होता है जिसको क्या दिया जाता है, धक्का, जैसे आप कभी भी कोई इंजन यूज करोगे तो आपको फ्रंट फोर्स में धक्का मिलता है, फिजिक्स पढ़े हो ना, आगे की तरफ धक्का, तो यहां पे क्या होता है कोई भी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल। अब मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल क्या होता है पढ़ेंगे अभी, जिसका काम क्या है प्रोपल्जन करना, आगे धक्का देना, इज ट्रांसमिटेड देयर टू फ्रॉम एन एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स एंड इंक्लूड्स चेसिस, ठीक है, तो कुल मिला के मोटर व्हीकल के अंदर मोटर होती है जिसको आप स्टार्ट करोगे आगे की तरफ आपको धक्का देगी, जिसको कहते हैं प्रोपल्जन, ठीक, जैसे आगे की तरफ धक्का देगी आप गाड़ी चलाओगे, इसके अंदर चेसिस भी आता है जो गाड़ी का एक पार्ट होता है, बताऊंगा अभी। अब यहां पर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं ये अब समझाऊंगा मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा जितने भी मोटरसाइकिल होती है वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो मोटरसाइकिल हो गया, दूसरा हैवी मोटर व्हीकल हो गया, तीसरा लाइट मोटर व्हीकल हो गया और चौथा लोकोमोटिव से हो गए, ये सारे मिलके एक क्या बनाते हैं मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल। तो क्या ये नाम तो बहुत अजीब सा लग रहा था, बट ये वही है जो अलग अलग टाइप के मोटर व्हीकल है, उनको शॉर्ट में बोल दिया गया मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल, क्लियर। अब आगे की बात देखिएगा, बट इसके आगे कुछ अच्छी बात ये कह रहा है, इसके अंदर इस मोटर व्हीकल के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा, अ व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स और अ व्हीकल ऑफ अ स्पेशल टाइप एडेप्टेड फॉर यूज ओनली इन फैक्ट्री। अब कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर अंदर ही गाड़ी कोई चलती है, भले मशीन फैक्ट्री 1-1 किलोमीटर बड़ी होती है, तो उसके फैक्ट्री की प्रीमाइस में कोई गाड़ी चल रही है वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है, उसको इसको बाहर करो। फिर दूसरी चीज, जो रेल है, कई बार क्या होती है रेल की पटरियां हैं उस पर कोई गाड़ी चल रही है, अब बताओ ट्रेन आएगा क्या, या कोई भी गाड़ी आपने पटरी पे चला रहे हो ले जाके, भले ही आप देखेंगे कि एक जो ट्रैकमैन होता है, राइट, रेलवे के अंदर क्या होता है ट्रैकमैन, जो ट्रैकमैन होता है और एक इंजीनियर साहब होते हैं, तो इंजीनियर साहब क्या करते हैं ट्रैक का इंस्पेक्शन करने के लिए उस ट्रैक के ऊपर, उस रेल की पटरी के ऊपर बैठ, एक मशीन होती है उसके अंदर बैठ जाते हैं और उसका इंजन स्टार्ट करके उसको पूरे ट्रैक को इंस्पेक्ट करते हैं, झंडी लगी होती है और सारी चीजें होती हैं, आप देखिएगा पहले जमाने में ऐसा होता था, ठीक है। तो ये सिचुएशंस अगर वहां पे हैं तो क्या उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अ व्हीकल having less than 4 wheels fitted with engine capacity of not exceeding 25 cubic centimeter, वो भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो मोटर व्हीकल नॉर्मल मोटर व्हीकल ही होता है डियर स्टूडेंट्स। आगे देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप सभी को छोड़ के जा रहा हूं, क्या क्वेश्चन है, कार्ट्स ड्रॉन बाय एनिमल, अगर कोई भी एनिमल या ह्यूमन गाड़ी को लेके जा रहा है या घोड़ा है, चल मेरी धन्नो शोले मूवी वाला, क्या बताइए वो कार्ट्स है जिसको कहते हैं बैलगाड़ी मान लीजिए, ठीक है, क्या यह मोटर व्हीकल में आएगा, मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल में आएगा या फिर नॉट मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल में आएगा, जल्दी से बताएं। जो आपका कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी होती है, देख लीजिए यहां पे दे दिया मैंने, हाँ गोपाल जी कल इसका मेन मेन सेक्शंस भी लूंगा डियर, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है, इसका पार्ट 2 कल भी आएगा, अभी जो पढ़ा रहा हूं ये तो मेन ही है, ठीक है,
इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये देखिए आपका ये जो गाड़ी है बैल गाड़ी है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्या यह मोटर व्हीकल है या नहीं है? तो बिल्कुल यह मोटर व्हीकल है यानी जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए। तो सभी को बताना चाहूंगा इट इज नॉट मैकेनिकली प्रॉपर्ड व्हीकल, यह प्रॉपरली मैकेनिकली प्रॉपर्ड व्हीकल में नहीं आएगा। राइट आंसर इज ए, ठीक है। मैकेनिकली प्रॉपर्ड व्हीकल में या कोई इंजन विंजन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। अब ये देखिए चेसिस वर्ड एक आया था आप सभी का, ठीक है, एक वर्ड चेसिस आया था। चेसिस का मतलब क्या होता है? आप लोग देखेंगे ये जो कार होती है पूरा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर अंदर का है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है अंदर का, ये कहलाता है चेसिस, जिसके ऊपर सारी गाड़ी अपनी बैठती है, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट दो मिनट की क्लास बची है डियर गोपाल जी, कल आप इसको रिकॉर्डेड आज देख लीजिएगा। कल मैं इवनिंग में 4 o'clock लाइव वापस आऊंगा, इसके आगे ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब आगे की बात देखिए, चेसिस तो मैंने बता दिया, देखिए ये भी एक चेसिस है। टाइप्स ऑफ चेसिस आप देखेंगे कि जो आपका ट्रक होता है वह ट्रक इस तरह के जब ये बनता है तो इस तरह का पूरा ये मॉडल होता है, इसे ही कहते हैं चेसिस। ये आप सबके टाइप्स ऑफ चेसिस है, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है, ठीक। अब एक केस आया था राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस श्रीमती संतोष का, मोटर व्हीकल के अंदर पूछा गया था कि जो ट्रैक्टर होता है या जुगाड़, आप लोग देखेंगे जुगाड़ करके भी लोग कार बना लेते हैं, तो क्या वह जुगाड़ भी मोटर यान है? तो इस केस में बोला गया था यस 2013 में कि यह जुगाड़ भी क्या है, एक मोटर यान है। सो दैट इज आज की क्लास में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, कल फिर मिलेंगे। अगर आप सभी को मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, लिंकिंग लॉज, ध्यान रखिएगा लिंकिंग लॉज, अनूप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पे सर्च कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। दुनिया का जो ऊट पटांग एक्ट है सारे पढ़ा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। कल फिर मिलेंगे कितनी बजे? 4 बजे। और आज आपकी एक स्पेशल क्लास है, क्या बोल रहा हूं, एक स्पेशल क्लास है जो कितनी बजे है 10:15 पे लूंगा मैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, प्लस के स्टूडेंट्स से भी डिस्कशन होगा, पढ़ाई की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ठीक है। जाने से पहले सभी को कल मेरे दर्शन, कल मैं 4 बजे मिलूंगा जी। चलिए आज इतना ही, और जाते जाते सभी को एक बार वापस से जय हिंद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।